ये महाकाल जी के लाइव दर्शन आप लोग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आने वाले उज्जैन, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, अभी आप देखिएगा। तो चलते हैं उज्जैन में। ये मेरे लाइफ का सबसे लंबा सफर होने वाला है, जो कि 1100 किलोमीटर का है, वो भी चेन्नई में। अभी आपको हम टिकट भी दिखाएंगे अपना। हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए। तो देखते हैं ट्रेन में सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। अब मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। तो लग रहा था कि हम लोगों को ट्रेन स्पेस नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, एकदम ट्रेन पूरी खाली है। तो 3-4-7 स्टॉपमेंट पर यहाँ से लेके उज्जैन तक के हमारे। तो हम और अंकुर दोनों उज्जैन निकल रहे हैं। हमारे अंकुर भाई हैं, ये हमारे क्लासमेट थे, और 9th 10th 12th हम लोगों ने सब एक ही साथ किया हुआ है। 8-9 साल की दोस्ती है हमारी उनकी। काफ़ी लेट हमारी ट्रेन चल रही है और हम कानपुर आ चुके हैं। कानपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। अब ये अंकुर भाई हमारे वीडियो बनाते हुए एकदम लेटे हुए हैं चौड़े होकर। हमने मूंगफली ली थी अपने लिए, और अंकुर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मूंगफली के लिए, बोलो। मूंगफली में जो नमक दिया है साला, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या बालम खीरा वाला चूर्ण दे दिया क्या। नमक का कोई टेस्ट ही नहीं, जो हम लोग खाना खाने के बाद हाजमे के लिए खाते हैं, वो मूंगफली के हाजमे के लिए वो वाला चूर्ण दे दिया है भाई। इतना सही चूर्ण है, एकदम मजेदार। अंकुर भाई छिक्कल भर लेना भाई, जो लोगों ने फैलाए हैं। लो भर लेना। मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान चले आ रहा है, उसके जरिए स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ तो भर लेना, छिक्कल जितने भी है भाई। ठीक है भाई, हमारी ट्रेन काम से निकल चुकी है, काफी तेज चल रही है एकदम लल्लन टॉप। तो गाइस, अंकुर ने कूड़ा साफ कर लिया है, देखिए एकदम चमाचम कर दिया है अंकुर ने। और रात के 2 बजे मूंगफली खाने का एक अलग ही स्वाद था हम लोगों को जो आया। हम लोगों को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 12 घंटे ट्रेन में बैठे बैठे। हम लोग आ चुके हैं भोपाल आउटर पे, और यहाँ से हमारी ट्रेन कट जाएगी उज्जैन के लिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं उज्जैन जंक्शन। काफी भीड़ उतरी हमारे साथ यहाँ पे। अब चल रहे हैं होटल लेने के लिए, होटल लेंगे फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। ट्रेन को बाय बाय करते हुए चलते हैं अब बाहर की तरफ। काफी लोग जा रहे हैं हमारे साथ बाहर। कुछ इस प्रकार से उज्जैन स्टेशन आप लोग देख सकते हैं। मकर संक्रांति पे यहाँ पे कितनी सारी पतंगे की शॉप्स लगी हुई है, और कितनी सारी पतंगे बेची जा रही हैं। देखिए हमार हर दुकान पे मतलब भीड़ ही भीड़ लगी है, हर शॉप पे भीड़ ही भीड़ है भाई। पास ऊपर भी उड़ी रही हैं अच्छी खासी पतंगे। यहाँ पे मकर संक्रांति पे पतंगे काफ़ी धूमधाम से उड़ाई जाती हैं लग रहा है हमको, पर हमारे यहाँ बसंत पंचमी उड़ाई जाती हैं पतंगे। हर जगह का अलग अलग हिसाब है अपना। हमको यहाँ पे रूम मिला है 400 रुपये पर हेड के लिए, और अब हम जा रहे हैं रामघाट के लिए। तो कुछ ही टाइम में आने वाला है रामघाट, तो फिर नहाते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। आसपास काफ़ी दुकानें भी हैं, काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं। सो हम लोग आ चुके हैं रामघाट पे। ये देखिए ऊपर क्या है, एकदम त्रिशूल शंकर जी का। तो हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, नहाते हैं फिर मिलते हैं। नहाने के बाद हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। नहा के काफी अच्छा लग रहा है, एकदम गरम गरम पानी था, और धूप भी काफी तेज निकली हुई है, तो लग रहा था काफी ठंड होगी, बट देखिए शर्ट में घूम रहे हैं, ठंड भी नहीं है यहाँ ज्यादा। तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग आ चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने, ये रहा मंदिर। अब चलना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर अंदर मोबाइल अलाउ होगा तो ले चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो मोबाइल सबमिट करना पड़ जाएगा हमको अपना। तो चलते हैं पता करते हैं इन्फॉर्मेशन। जा रहे हैं मोबाइल सबमिट करने के लिए हम लोग। मोबाइल सबमिट करने के कोई चार्ज नहीं है भाई, यहाँ पे एकदम फ्री सेवा उपलब्ध है। बोले बोले रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है महाकाल दर्शन के लिए, और ये हम लोग चल रहे हैं कॉरिडोर के लिए इस साइड से। पहले लोग दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि पहले फोन अलाउ नहीं था तो फोन सबमिट करना पड़ा था, फोन दोबारा लिया है तो अब वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। जितने लोग आ रहे हैं ना दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने आने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाए हुए नहीं है। तो बाकी जो कॉरिडोर हमारा बचा हुआ है ये हम घूमेंगे आके रात में, और रात में घूमेंगे फिर आपको पूरा कॉरिडोर दिखाएंगे कि कैसे क्या कैसा बना हुआ है। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बहुत तेज भूख लगी है हम लोगों को। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को यहाँ पे, और काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। हमको लगा इतनी भीड़ नहीं होगी, पर सैटरडे संडे के हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भाई, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो अब चलते हैं हम लोग खाना खाने के बाद कहीं और।
तो हमारा खाना आ चुका है, अंकुर खाना खा रहे हैं, मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। तो अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के लिए, यहाँ से लोग ऑटो लेंगे, वो भी टुकड़ों में लेंगे क्योंकि एक साथ ले रहे हैं तो काफ़ी महंगा ले रहे हैं, 300-400 रुपये हम दे नहीं पाएंगे भाई, झूठ क्यों बोले, तो हम टुकड़ों में जाएंगे और सस्ता देंगे ऑटो। तो चलते हैं अब काल भैरव की तरफ। टैडी बियर इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ये डॉग बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है भाई, ये टैडी में है एक्चुअल में। काफी बड़े बड़े टैडी बियर हैं। ये कछुआ देख लेंगे लोग आके। तो हम लोग टाइम निकल चुके हैं काल भैरव के लिए, ये रात का उज्जैन की नगरी हम लोग घूम रहे हैं, महाकाल की नगरी। तो हम लोग अब जा रहे हैं काल भैरव के लिए, हम लोग ऑटो मिल गया है 30 रुपीज पर ईच, काफी सस्ता मिला है हमको। तो पहुंचते हैं काल भैरव, फिर आपको दिखाते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन। हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर पे, तो चलते हैं दर्शन करने के लिए, काफी भीड़ है यहाँ पे। तो लग चुके हैं मंदिर की लाइन में, तो चलते हैं मंदिर की तरफ और कराते हैं आपको दर्शन अगर फोन अलाउ हुआ तो। बोले बोले, हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर में। बोले बोले, अब हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे शंकर जी को मदरा चढ़ाई जाती है। बोले 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 बोले, कितने सारे दिए जलाए गए हैं भाई, काफी अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को भाई। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, लोग आ चुके हैं वहां से, अब हम लोग जा रहे हैं हर सिटी मंदिर, तो चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये दिए जल रहे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ज्यादा टाइप का ये दिए हैं एक्चुअल में, इतने प्यारे लग रहे हैं दिए। चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे, बोल रही है दिए इतने क्लोज से। तो ये रहा माता रानी का मंदिर, पहले शूज उतारते हैं फिर करते हैं दर्शन, जूते उतारने पहले। तो हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, हमारे लेट लतीफ आदमी आ रहे हैं लेट एकदम पीछे पीछे। दिए कितने प्यारे लग रहे हैं भाई एक्चुअल में, सही बताएं तो, भले आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको ये नहीं पता, पर हमको काफी प्यारे लग रहे हैं। माता रानी के हमको प्रसाद मिला, अभी प्यारे दर्शन हुए हम लोगों को, आपने भी देखा होगा वो। तो अब चलते हैं हम लोग कॉरिडोर की तरफ। ये जो भीड़ आपको दिख रही है ना, ये पूरी कॉरिडोर वाली पूरी भीड़ है जो कि महाकाल मंदिर जा रही है और महाकाल के मंदिर से आ रही है। ये रहा महाकाल मंदिर का नाइट का व्यू, और ये सामने हमारा कॉरिडोर है, यहाँ भी चल रहा है हम लोग अभी कुछ ही टाइम में भाई। जो मज़ा रात को कॉरिडोर देखने में वो दिन में नहीं है, आप लोग देख ही सकते होंगे कि कितना चमक धमक है यहाँ पे भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है यहाँ पे हमको इस टाइम। तो भीड़ देखिए भाई क्या ही आ रही है, बम्पर। वो लोग हैं जो दर्शन करके बाहर आ रहे हैं महाकाल के, ये हमारे महाकाल बैठे हैं, ये महाकाल जी के लाइव दर्शन आप लोग कर सकते हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे लाइव दर्शन। और ये वो गेट है जहाँ से हमको मंदिर में जाने के लिए एंट्री मिलती है, और ये पूरा कॉरिडोर जो कि वहाँ तक है आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है, काफ़ी देख रहे होंगे आप लोग चेयर वाइज चेयर पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी लंबा कॉरिडोर है भाई, हम तो थक जाएंगे चलते चलते। ये देखिए लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं इस टाइम लोगों को यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एक नंबर लग रहा है भाई, मजा आ गया आके, मतलब क्या ही बताएं। हमारा तो कहना ये है ना, जो लोग नहीं आए वो आए और दर्शन करें आके, यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। परशुराम भगवान, आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है समुद्र मंथन, ये माँ सरस्वती, और ये दीवारों में सब छवि दी गई है भगवानों की, ये शंकर जी की बारात का सीन।
बना हुआ बहुत ही अच्छा बना हुआ कॉरिडोर, आपको हम क्या ही बताएं, मतलब वर्ड ही नहीं है हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए कितना अच्छा बना हुआ है। खुद आना, आप लोग खुद देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कैसा बना हुआ है। आप लोग देख भी सकते हैं मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे एकदम। ये महादेव के सिर के ऊपर से गंगा मैया निकलती हुई कब का, और काफी प्यारा लग रहा है ये। काफी घूम घाम के हम लोग थक चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं कुछ डिनर करने के लिए। एंड गाइस हम अब कल सुबह 4 बजे जाएंगे भस्मा आरती देखने के लिए, अगर फोन अलाउ हुआ तो वो इस ब्लॉग में आपको ऐड कर देंगे एडिट करके। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने रूम पे, और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड जुड़े रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है ओम कालेश्वर की, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।